वंदे मातरम। अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपको स्टेमिना की दिक्कत है, या आपके बहुत ज्यादा दर्द होने शुरू हो गए हैं, या आप अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, या आप अपने शरीर को फ्लेक्सिबल यानी लचीलापन बढ़ाना चाहते हैं, तो ग्राउंड जाने पर डेली वार्म अप करने से पहले रोलर के द्वारा अपनी बॉडी को रोलिंग जरूर करें, जिससे आपके ब्लड में यानी खून में ऑक्सीजन का स्तर 2 से 3 गुना गति में बढ़ जाता है, जिससे आपकी बॉडी के रिजल्ट अमेजिंग तरीके से आते हैं। जितने भी इंटरनेशनल एथलीट हैं या जितने भी इंडिया के में भारतीय सर्वश्रेष्ठ प्लेयर जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सभी ट्रेनिंग शुरू होने से पहले रोलिंग करते हैं, या आप ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं। इससे आपका पूरा शरीर बढ़िया तरीके से रिलैक्स हो जाएगा। मैं आपको फर्जी लोगों से बचाने के लिए सच्ची वीडियो बनाता रहूंगा। ये वीडियो हिंदुस्तान की पहली वीडियो है जो रोलर के ऊपर बनाई गई है। आप इसे ध्यान से देखें, ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें इस वीडियो को। पहली एक्सरसाइज, अपनी हैमस्टिक मसल को रोलर के द्वारा रोलिंग कर रहे हैं ताकि वहां पर ब्लड का फ्लो अच्छे तरीके से बढ़ सके या वो मसल अच्छे तरीके से रिलैक्स हो सके। आपको हर एक एक्सरसाइज 30 से 35 सेकंड करनी है, और जो ये वीडियो दिखाई दे रही है, आप इसको ग्राउंड जाने पर शुरू कर ले और इसको अच्छे तरीके से देखें और कॉपी करें। जो आपको रोलर दिखाई दे रहा है, इसको आप ऑनलाइन किसी भी .com से 500 से 700 रुपए का मंगवा लें। ग्राउंड जाते ही आप हर एक पार्ट को अच्छे तरीके से रोलिंग करें ताकि बॉडी बहुत अच्छे तरीके से रिलैक्स हो सके और आपका वर्कआउट बहुत अच्छे तरीके से हो। ये वीडियो जो बना रहे हैं, दोनों ही इंटरनेशनल प्लेयर है, देवेंद्र कुमार है, दूसरे मंजीत कुमार है। जो आपका दीपा शीशवाल इंडियन आर्मी 1600 मीटर की तैयारी करता है, जिसका टाइमिंग 4 मिनट 18 सेकंड है, वो भी एक बहुत अच्छे रोलर से डेली इस तरह एक्सरसाइज करता है। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर मेरी कमर टाइट हो जाती है। आप सबसे पहले भागते वक्त अपनी कमर को सीधा करके भागे। अगर फिर भी आपकी कमर टाइट हो रही है तो आप एक अच्छे रोलर से 30-35 सेकंड डेली रोलिंग जरूर करें। अगर आप जो ये सातवीं एक्सरसाइज है, इसको आप अगर नए बच्चे हो और अगर आप शुरू कर देते हैं शुरू में ही ग्राउंड जाने से पहले, तो आपके सीन पेन की दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आपके सीन पेन कभी होगा भी नहीं। जिन बच्चों के सीन पेन हो रहा है, वो इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे कर सकते हैं। और इस चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सीन पेन की वीडियो भी बनाकर डाल रखी है, आप उसको भी देखिए। एक डाइट की वीडियो बहुत अच्छी बना रखी है, आप उसको देखिए। एक वार्म अप की बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, आप उसको देखिए। और ये बहुत अच्छे लेवल की रोलर की वीडियो, आप इसको देखिए। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए नई नई वीडियो और नए नए एक्सपेरिमेंट लाते रहेंगे। वंदे मातरम।